ये प्रश्न इतना जटिल पूछा गया इस शब्द के साथ कि निम्न में से सही शुद्ध शब्द क्या होगा। पीएसआई में कितनी परीक्षाओं मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में पूछा है 2011 में, पीएसआई में पूछा गया है, पटवार में पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया है, कम एलडीसी हाईकोर्ट वाली में पूछा गया है, कम से कम 10 से 12 परीक्षाओं में और पूछा जा रहा है लगातार। केवल शय का अंतर है, कहाँ कौन सा शय है, शुश्रूषा, यही अंतस, ये ऊष्म, ऊष्म वर्ण का कहाँ प्रयोग किया गया है, और आपने इस ऊष्म वर्ण में तीनों ऑप्शन चुन लिए लेकिन सही ऑप्शन को नहीं चुना। गलती करते हैं हम, क्योंकि हम उसको पढ़ते उस दृष्टि से नहीं है जिस दृष्टि से हमें पढ़ना है। एक बार पढ़ा याद रहेगा। मैं शुश्रूषा आज बताऊंगा आपको, लेकिन इसको जब मैं अंतिम क्लास में पूछूंगा आपको तो शायद आप फिर गलत कर रहे होंगे इसको, इसी शुश्रूषा को गलत कर रहे होंगे आप। आज आपको सही बता दूंगा, अभी आप बताओगे सही कौन सा है, बोलो ए पे कौन जाएगा, बी पर, सी पर और डी पर, जी छेड़ेंगे ही नहीं, प्रश्न से हाथ नहीं लगा रहे हो आप, इतना खौफ पैदा कर दिया इस प्रश्न ने आपके, हाथ नहीं लगा रहे हो कि इसको करें या ना करें। हाँ प्रयास करो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है तुम्हें पता है, उससे अच्छा छोड़ना होता है जब आपको आता नहीं है तो, नकारात्मक जब मार्किंग होती है तो उसमें छोड़ना ज्यादा अच्छा होता है करने से, क्योंकि आपका वो सही भी ले बैठती है, आप जानबूझ के करना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो ए, और बोलिए सर, सोच लीजिए, मौका दिया आपको, जितना चाहो सोच लो जी, कंफ्यूजन ही तो है, और परीक्षा है क्या, परीक्षा का नाम क्या है, कंफ्यूजन, ऑप्शन का नाम क्या है, विकल्पों का नाम क्या है, विकल्प किस लिए दिए जाते हैं, अगर सीधा सीधा पूछ ले कि भाई शुद्ध शब्द लिखिए शुश्रूषा, तो आप लिखने का प्रयास करेंगे, जो भी लिखे होंगे वो लिख देंगे, जो भी लिखने, लेकिन विकल्प क्यों दे रहा है वो, दुनिया की सबसे सरल परीक्षा, क्योंकि उत्तर आपके सामने होता है, उसमें से केवल छांटना होता है, और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा, उत्तर आपके सामने होता है लेकिन कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन भी होते हैं, इसी को कितना जटिल बना दिया है। रोज एग्जाम हो रहे हैं, प्रत्येक पखवाड़े में एक एग्जाम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वही प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों में वो एग्जामिनर उसी विषय में, जिस विषय का प्रश्न है उसी विषय में कहीं बारीकी खोज रहा है वो, बाल की खाल निकाल रहा है वो एग्जामिनर, और केवल ऑप्शनों में निकाल रहा है वो, और कोई काम नहीं उसके पास। व्यंजन जो हैं वो ही रहेंगे, सार्वभौमिक हैं, दुनिया में कोई बदलेगा नहीं, 100 बार पढ़ोगे आप, 1000 बार पढ़ोगे यही रहेंगे, लेकिन इनमें भी बारीकी ढूंढ रहे हैं कहां से क्या निकालें, हर शब्द के अंदर भी बारीकी, और शब्द ला रहे हैं खोज खोज के, कितने शब्द ले आए, वो एग्जाम में आ गया ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, और जिस एग्जाम में जो आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कह रहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा विद्यार्थियों के लिए, हर एग्जाम में एक नया और कुछ आ जाता है। तो आपने जब ये गलत किया है तो ये तो गलत सही कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि इनमें ये चारों ऑप्शन गलत है, मैंने शुद्ध लिखा ही नहीं है, मैंने लिखा इसलिए नहीं है कि आपको पता ही नहीं है शुश्रूषा होता क्या है, स्लेट वाला नहीं आया, वही दूरी कर रहा हूं, कमी वही तो है आपकी कमी, आपकी कमियों को दूर करने के लिए तो क्लास ज्वाइन होती है, कि आपको पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यापक और ये जो अध्ययन की क्लासेस चल रही है इनमें विद्यार्थी शार्प हो जाता है, बहुत चतुर हो जाता है, कि एग्जाम करने का उसको सलीका आ जाता है। देखिए ये जो शय है, क्रम यही सही है, ये जो शय है इसको कहते हैं तालव्य शय, आगे बताऊंगा अगला वर्गीकरण आएगा जब, तालव, ये सबसे मधुर ध्वनि बोली जाती है इसकी, शय, शय, जीभ हमारी तालु को स्पर्श करती है इसके बोलने में, शय, आप इसके बोलने में आपकी सीटी भी बज सकती है इसको बोलने में, शय, 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 जीभ सबसे मधुर ध्वनि शय, इसको बोलने में आपकी सीटी भी बज सकती है
इसलिए इसको कहते हैं तालव्य शय। क्या कहते हैं? तालव्य शय। ये जो ध्वनि है ये इसका झुकाव इसकी तरफ है, खे की तरफ, खे थोड़े खर्ज में बोला जाता है, इसका जो उच्चारण होता है ना खर्ज में, जैसे खे 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 ऐसे बोलेगा ये, खे खे खे, खर्ज में थोड़ा सा खरखराहट सी आएगी इसमें, तो इसकी तरफ जैसे हम खे को बोलते हैं ना उसकी तरफ थोड़ा झुकाव है इसका, खे। क्या बोलता है ये? खे। ये जो है ये दोनों दांत ऊपर के और नीचे के, दोनों दांत भिड़ा के जीभ को दांतों से टकरा के से, से। हम सर्वाधिक प्रयोग इसका करते हैं, सर्वाधिक प्रयोग इसका करते हैं। ये जो से है यह है मूर्धन्य शय, मूर्धन्य। इसमें जीभ हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा यानी मसूड़ों के आसपास, खे 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 खे, जिसे आप, यह है आपका सर्वाधिक प्रयोग आने वाला। आप केवल इसी को बोलते हैं सब में से, जैसे आप सलेट वाला कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नाम इनके लगा रखे हैं आपने, लेकिन इस से को कहते हैं हम दंत से। इसे क्या कहते हैं? दंत्य शय। इसे क्या कहेंगे? तालव्य शय। इसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य शय। और इसे क्या कहेंगे? दंत शय। ये सबसे मधुर ध्वनि जिसको आप षटकोण वो बोलते हैं, शलगम वाला, पता नहीं कौन सा बोलते हैं, शलगम वाला, शीटी वाला, इसको इसको बोलते हैं पेट चिरा हुआ, गुरुजी पेट चिरा सा, षटकोण वाला सा, पता नहीं कौन से बोलते, षटकोण वाला, पेट चिरा भी बोलते हैं बहुत विद्यार्थी, पेट चिरा हुआ सा, इसको आप सरोता वाला, सलेट वाला, सरोता वाला, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन नहीं साहब, आज के बाद आपको ये जो शय है ये है तालव्य शय, ये जो शय है मूर्धन्य शय, और ये जो शय है तीनों सकारों के अलग अलग भिन्न है। तो एक बार इसको बोल के बताना, से नहीं शय, शय, शाबाश शाबाश शाबाश, इसमें है ये शाबाश, शाबाश शा शा शा, ये शे 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 शे, संतोष संतोष संतोष, ये आप दांत से, दांत बढ़ाओ दोनों, जीभ को दांतों से टकराओ, से, इसका उच्चारण होगा से, 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 जीभ को दांतों से लगा के से, शे खे से, शे खे शे, चरण समझ में आया क्या? इन तीनों का, तीनों सकारों का सही उच्चारण होगा शे का तालव्य, शे का मूर्धन्य और शे का दंत, और सही क्रम होगा शय है से है। क्लियर है क्या सर? अजी क्लियर है क्या? तीनों शा, संख्या में कितनी हुई, कितने हुए? चार, 25, चार 29 और चार 33, व्यंजन कितने होते हैं जी? 33, लिखिए व्यंजन 33 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं जी। ये ऊष्म चार, अंतस्थ चार, 25 स्पर्श, कुल मिला के कितने हो गए? इसलिए व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। क्लियर है क्या सर? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े, रफ कर दूं, रफ कर दूं क्या साहब? नेक्स्ट लिखिए व्यंजनों के जी, शुश्रूषा, शुश्रूषा के बारे में बता देता हूं मैं आपको,
जी, सही रहेगा आपके दिमाग में बताना। देखिए, इसमें शुश्रूषा में कभी भी दंतक्षय नहीं आएगा, मूर्धन्य आएगा, दंतक्षय नहीं आएगा। मैंने जब आप पे लिखवाया था, तो हेलो हेलो जी। ओ मैम, मैं क्लास में हूँ, 11 बजे बात करूँ मैं। हाँ, क्लास से छूट के बात करता हूँ। ओके मैम। शुश्रूषा, इसमें जो क्षय आएगा वो एक तालव्य और ये मिश्रित क्षय है, और ये मूर्धन्य। इस क्षय के साथ वो क्या करता है, एग्जामिनर ये भी बदल देता है। आपका ध्यान किस पे रहता है, ध्यान से देखना इसको। मात्रात्मक अशुद्धि कर देता है वो उसमें, और आपका ध्यान रहता है क्षय पर। क्या क्षय, इसमें दो, एक तो तालव्य क्षय था, एक इसमें मूर्धन, एक ये भी मिश्रित क्षय है, ये भी तालव्य ही होता है ये, और एक है मूर्धन। दंती क्षय तो इसमें होता ही नहीं है, इस शब्द में दंती क्षय तो होता ही नहीं है। फिर उस पर ध्यान रहता है क्षय पर, और एग्जामिनर बदल देता है हल्का सा उसकी मात्रात्मक अशुद्धि को, जबकि होता है शुश्रूषा, दीर्घ उ आता है उसमें, ह्रस्व ई नहीं आता, ह्रस्व उ नहीं आता, दीर्घ उ आएगा तब बनेगा शुश्रूषा। और शुश्रूषा होता है दीन दुखियों की सेवा करना, शुश्रूषा कहलाता है। ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है। आपकी हिंदी में जब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, जिसे आप अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हो, उसमें भी पूछा जाता है कि शुश्रूषा दीन दुखियों की सेवा करना, शुश्रूषा कहते हैं उसको। गरीब मरीजों की, दीन दुखियों की आपने कहीं सेवा कर दी, उसको शुश्रूषा कहते हैं। पर आज कुल कौन करता है ऐसा, अपनी हो जाए बहुत बहुत है, अपने बुजुर्गों की हो जाए वही बहुत है, उसको सेवा कहते हैं। लेकिन दीन दुखियों की सेवा करना शुश्रूषा कहलाता है, और अपने की, अपने बुजुर्गों की, अपने उनकी सेवा करना सेवा कहलाता है, अपनों की सेवा करना, ये दीन दुखियों की सेवा करना शुश्रूषा कहलाएगा। क्लियर है क्या सर? नेक्स्ट लिखिए, व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण। व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण, नंबर एक स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर, स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर स्थान के आधार पर श्वास अवरोध के आधार,
व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण, व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण में एक है स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर, एक है प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, और चौथा है श्वास अवरोध के आधार पर। प्राण तत्व शुद्धि की बात करता हूं, ये जो तत्व आपको दिख रहा है तत्व प्लस त्व के योग से बना है, ये तत्व प्लस त्व के योग से बना है। जब तत्व बनता है तो कोई कोई स्वर इसमें सम्मिलित नहीं होता, ये अधूरा तय है, ये भी अधूरा है, तो दोनों में तत्व बन जाता है। तत्व ये भी तय, ये भी तय, दोनों मिलके तत्व बनते हैं। हम क्या कर देते हैं, तत्व जो कि गलत है, तत्व हमेशा जब बोलते हैं तत्व बोलते हैं तत्व, जबकि तकार आएंगे तीन एक तत्व में, तीन तकार है तत्व प्लस त्व। अगर मैं ऐसे नहीं लिखता और ऐसे ही लिख देता तत्व, तो आप ऐसे लिखते इसको तत्व। प्रश्न पूछा जाता है एक शुद्धि में, तत्वावधान, तत्व प्लस त्व प्लस अवधान, दीर्घ संधि के साथ आता है, तत्व प्लस त्व प्लस अवधान, और शब्द बनता है तत्वावधान। तत्वावधान, कितने ही इसमें अशुद्धियां बना सकता है वो एग्जाम्पल। तत्वावधान, तत्वावधान प्रश्न कैसे पूछ लेगा, प्रश्न कैसे पूछ लेगा वो कि निम्न में से शुद्ध है, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा, कौन सा, सॉरी ये हटा दो आप, ये कर दो आप, हाँ हटा दो, इस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध पूछ लेता है वो। कहां से एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, अगर मैं यही प्रश्न आपको ये बिना पूछे बिना बताए अगर आपसे पूछता और हाथ खड़े करवाता, तो इसी में भी आप इसमें आप गलती करते, निश्चित रूप से गलती करते। शुद्ध क्या होगा, तत्व प्लस त्व प्लस अवधान। जब संध्या चलेगी तो बहुत अच्छे से विस्तार से बात करेंगे इन पर, अभी केवल वर्ण विचार की बात कर रहे हैं। तो नंबर एक डालिए स्वर तंत्र या ध्वनि के आधार पर। सबसे पहला पहला वर्गीकरण स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर, स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर दो भेद किए गए हैं, स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर दो भेद किए गए हैं। नंबर एक, अघोष, और नंबर दो, घोष या सघोष। घोष या सघोष एक ही बात है, कहीं भी आपको कुछ मिले
या स्वरतंत्र के आधार पर मिले, तो स्वरतंत्र के आधार पर कितने भेद हैं? दो। अगर ये कहें ध्वनि के आधार पर कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? अघोष और घोष या सघोष। घोष या सघोष बात एक ही है, स्वरतंत्र ध्वनि बात एक ही है। स्वरतंत्र के आधार पर कितने भेद हैं? दो। कौन से? अघोष और घोष। घोष किसे कहते हैं? सही बात है, घोष। घोष कहते हैं गूंज को, गूंज को, नाद को, आवाज को, ध्वनि को। जैसे आपने कभी महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध में जब कोई युद्ध होता था तो वो शंख होता था, उसको कहते हैं नाद, शंख नाद। वो एक आवाज थी, उस शंख का ये संकेत होता था, ये घोष होता था कि युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है या समाप्त होने जा रहा है। शंख बज जाता था, युद्ध भी समाप्त हो जाता था, शाम को समाप्त हो जाता था शंख बजाते ही। वो अश्वत्थामा जब मारा गया था तो उसमें भी वो शंख बजा दिया गया था मरने से पहले ही, तो उसको छोड़ना पड़ा कल के लिए, उसकी मृत्यु एक दिन के लिए टल जाती थी। तो ये कहां कि घोष है, घोष कहते हैं गूंज को, नाद को, नाद को। रणभेरी बजती थी, वो पीपरी सी बजाते थे, बजाते थे कि नहीं, तो वो भी कोई एक संकेत होता, घोष था, एक आवाज थी। पहले जब सूचना सार्वजनिक दी जाती थी, आज तो मल्टीमीडिया और आपके पास बहुत अच्छे से सूचना के वो संसाधन है कि सीधे ही कोई सूचना आई और सीधे आपके मोबाइल पे विद इन 5 सेकंड के अंदर आ जाती है साहब कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ है, तुरंत आ जाती है। पहले क्या सूचनाएं ऐसे नहीं दी जाती थी, पहले क्या ढोल बजता था, इतना बड़ा ढोल होता था, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, भीड़ इकट्ठी करते थे, फिर उनको बताते थे कल का ऐसे भोज होगा या फिर कल राज दरबार में आप सबको बुलाया गया है, कोई संदेश सुनाएंगे महाराज। तो वो कहीं ना कहीं एक संकेत होता था, एक मतलब एक सूचना होती थी, घोष होता था, एक आवाज होती थी। तो यहाँ पर भी एक घोष और अघोष, आवाज यानी ध्वनि के आधार पर है, स्वरतंत्री के आधार पर है, जो हमारी स्वरतंत्री है वो किस प्रकार से स्वर व्यंजनों का उच्चारण करती है। तो इसके आधार पर कितने भेद हैं? दो। पहला है अघोष, सबसे पहले लिखिए अघोष। अघोष जहां बेटा समझ में नहीं आए वहां आप निश्चिंत होके निर्विर उससे निर्द्वंद होके डर के नहीं कुछ भी पूछे। अघोष, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि कोष्टक में नाद, कोष्टक में नाद, गूंज नाद गूंज कोष्टक बंद ध्वनि बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती हो, कम मात्रा में उत्पन्न होती हो उन्हें अघोष ध्वनियां कहा जाता है। अघोष ध्वनियां कहा जाता है। जैसे जैसे वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कोष्टक में ये डालें आप,
जैसे पहला दूसरा, है कि नहीं? पहला दूसरे तो हो गया वर्ड का, पहला दूसरा, शे शे से, वर्ग का पहला दूसरा और शे खे से, सभी क्या होते हैं? अघोष। सभी क्या होते हैं? अघोष। संख्या में कितने हो गए जी? कितने हो गए? 13। संख्या में कितने हो गए जी? 13। वे नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट, घोष या सघोष। अगला, घोष या सघोष, घोष या सघोष। वे ध्वनियां जिनके जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि अघोषों की अपेक्षा ध्वनि अघोषों की अपेक्षा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हो, अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हो, उन्हें घोष या सघोष, उन्हें घोष या सघोष ध्वनियां कहा जाता है। घोष या सघोष ध्वनियां कहा जाता है। जैसे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां, और ये, रे, ले, वे है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां, यानी कि गे, घे, ग्यम, गे घे ग्यम, जे झे यम, डे ढे ण, दे धे न, बे भे म, और ये रे ले वे है। 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 संख्या में कितनी हो गए जी? कितने हो गए? 20। 3 × 5 = 15 और 5 = 20। यहां पर एक नोट डालिए दोस्तों, यहां पर एक नोट डालिए जी, नोट डालिए।
सभी स्वर, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि सघोष ध्वनियां कितनी होती हैं, कितनी? 31 ध्वनियां अगर पूछी जाएं तो स्वर सम्मिलित हो जाएंगे, 20 और 11 31 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए सघोष व्यंजन कितने होते हैं, 20। अगर पूछा जाए अघोष ध्वनियां कितनी होती हैं, 31, 20 प्लस 11 स्वर, ये नोट क्या डलवाया मैंने, स्वर और ये व्यंजन दोनों जोड़ के कितने हो रहे हैं, 31। तो 31 20 प्लस 11 कितने बनेंगे, 31। तो व्यंजन ध्वनियां कितनी, अघोष घोष, व्यंजन घोष कितने, 13 नहीं 20, घोष की पूछ रहा हूं, अघोष कितने, 13। अगर ध्वनियां जोड़ दी जाए तो 31। स्वर प्लस व्यंजन, स्वर व्यंजनों में तीनों, तीसरा चौथा पांचवा, और ये रे ले वे है, ये तो क्या होंगे, घोष या सघोष। और वर्ग का पहला दूसरा क्या होंगे, अघोष और शै शै शै, तीनों सकार। यहां विशेष बात यह है कि तीनों सकारों के साथ क्या नहीं है, है नहीं है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से घोष ध्वनि है, निम्न में से घोष ध्वनि है, शै 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 है, आंसर क्या आएगा, है, क्योंकि क्रम वाला वही चलेगा आपका, ऊष्म वाला, ऊष्म का क्रम है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, वो इसी है को पूछ रहा है, लेकिन इसमें से कौन सी आएगी, फिर आप शय को ढूंढोगे, कोई शय निकालोगे उसमें से, शय नहीं निकालना है, निकालना है इनमें नहीं है, शय 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 किसमें है, अघोषों में, शय 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 किसमें है, अघोषों में। कंफ्यूजन की बात यहां ये है को वो पूछेगा, है को अगर पूछता है तो है किसमें आएगा, घोषों में, किसमें आएगा, घोषों में। बताओगे आप, मैं पूछू तो बता दोगे, बताओ साहब, टे क्या है, अघोष, टे अघोष, टे क्या है, अघोष, गे क्या है, गे, खे, खे क्या है, शे क्या है, शे, शे क्या है, औ क्या है, वो भी क्या होगा, औ घोष या सघोष, नोट पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप, औ क्या होगा, ए, ए घोष, ई, उ, अंग, बता ही नहीं है स्वर, अयोग वाह ध्वनिया, वो आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में, वो क्या है, जय क्या है, जय, जय, ते, ते, ग्यम, होश, अणय, मैं, फे,
है रे रे ले ले क्या है बे बे घोष सघोष बे क्या है सघोष भे ठे अघोष ठे थे क्या है यम यम घोष ते धे ने पे अघोष क्लियर है कैसे अजी क्लियर है क्या हाँ एक ही बोल सकते वही तो कह रहे हो या क्यों लग रहा है एक ही बोल सकते हैं दोनों एक ही बात घोष या सघोष एक ही बात है दोनों की क्यों लिखाइए इनकी भी दोनों की एक ही बात है जिसमें ऑब्लिक लगा होता है वो या हो जाता है या ये या ये एक ही बात है दोनों की एक ही बात नेक्स्ट लिखिए प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर दो भेद किए गए हैं अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण और महाप्राण कितने भेद हैं जी दो किसके आधार पर प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर कितने भेद कौन कौन से कौन कौन से अल्प प्राण महाप्राण स्वर तंत्र या ध्वनि के आधार पर कितने भेद कौन कौन से अघोष और सघोष मुख्य रूप से व्यंजनों के कितने भेद मुख्य रूप से चार तीन मुख्य रूप से कितने भेद तीन कौन कौन से स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म भूलना नहीं है जितना पढ़ाता जाऊं उसको पढ़ते जाना पार लगवा दूंगा निश्चिंत रहिए आप लेकिन जितना पढ़ा के जाऊं उसको आप प्रतिदिन रिवाइज करके मैं अगले दिन पूछता हूं ये मेरी थोड़ी सी परंपरा है जो मैं पढ़ाता हूं हाँ मैं अगले दिन उसको पूछता हूं कि कहीं आप अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहे कहीं चोरी तो नहीं कर रहे कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहे घर वालों को धोखा तो नहीं दे रहे आए हो तो कुछ लेके जाओ ये जयपुर में बहुत बड़ी रंगीनियां हैं यहाँ भटक जाओगे यहाँ से केवल जॉब लेके जाओ जॉब लेने के बाद फिर आना फिर यहाँ जयपुर को एंजॉय करना कुछ विद्यार्थी क्या पहले एंजॉय कर लेते हैं फिर कुछ नहीं होता साहब यहाँ के मल्टीप्लेक्सेस यहाँ की शॉपिंग मॉल्स वहाँ घूमते हैं आनंद लेते हैं नहीं साहब पहला अपना काम करके जाओ कि अपना काम जिसके लिए आप घर वालों ने भेजे वो काम करके जाओ वो काम कर लो उसके बाद दुनिया आपके साथ है दुनिया आपके आसपास रहेगी और जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी 7 पीढ़ियों को तिरा देती है साहब एक सरकारी नौकरी तीन तो मान ही लो साहब और कहीं कहीं कोई उसकी हो जाती है तो अपनी ससुराल की महिला की हो जाती है तो अपनी ससुराल अलग और पियर अलग दोनों जगह नाम होता है उसका तो आपके लिए बेरोजगार हो बेरोजगारों के लिए सबसे आज की जो तारीख में सबसे नीड जो है जरूरत जिसकी है वो है नौकरी ये मिल जाए उसके बाद कुछ भी करो पर मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ देखता हूँ कि जयपुर में 4-5 महीने तो खूब आनंद के साथ कोचिंग के बहाने आते हैं 6-7 महीने खूब एंजॉय करके जाते हैं और घर जाते हैं खाली हाथ उसको घर जाने का अधिकार नहीं है उस विद्यार्थी को जो घर से ये कह के आया है कमिटमेंट करके आया है कि मैं नौकरी लेने जा रहा हूँ तो वो नौकरी लेने आए हो वो लेके जाना और जब मेरे साथ चलोगे रिदम से मिला के मेरा दावा है
हिंदी का इसमें बहुत बड़ा रोल है हाई कोर्ट में। 40 क्वेश्चन हिंदी के ही आने हैं और मेरा दावा है 40 में से 35 प्लस सही कराऊंगा। 4-5 की इसलिए नहीं कहता हूं कि आप जानबूझ के गलती करके आ जाते हो, जानबूझ के गलती करके आओगे नहीं। मैं 38 तक भी दावा करता हूं कि 38 तक क्वेश्चन सही कराऊंगा आपके। और मेरे एलडीसी में पिछली बार 95 तक विद्यार्थियों ने क्वेश्चन किए और एलडीसी हो गए। पिछली परीक्षा की बात कर रहा हूं। राजस्थान में वर्तमान में अभी 5 से 7 विद्यार्थी मेरे एसआई बने हुए हैं जो अभी थाना प्रभारी हैं कहीं ना कहीं आपके। तो आप निश्चिंत रहिए, ये आपको 35 में से 35-40 के बीच में अंक लेके आओगे आप, बशर्ते कि आप मेरे साथ चलें, कदम से कदम मिला के चलें। बहुत आनंद आने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, अभी तो ये टॉपिक शुरू हुआ है, आपका केवल बेसिक है। आपकी ये जो पहली सीढ़ी है जिससे आप पकड़ के आगे चढ़ोगे, इससे बहुत जटिल टॉपिक आएंगे, बहुत टफ टॉपिक आएंगे, बहुत कठिन टॉपिक आएंगे जिनमें माथे की नस चुक जाती हैं। ऐसे भी टॉपिक आने बाकी हैं अभी हिंदी में। तो हिंदी सरल नहीं है, सरल ना समझना कि भाई ये तो घर की मुर्गी है, इसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझे। हर टॉपिक पर, हर टॉपिक में विवाद है, हर टॉपिक में। हिंदी का प्रत्येक टॉपिक विवादित है कहीं ना कहीं। उस विवाद को सुलझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मैं आगे बढ़ता भी हूँ। तभी जब तक आपका पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। विद्यार्थी ये कहते हैं हाँ गुरु जी बस समझ में आ गया, आनंद आ गया, तब तक टॉपिक में आगे नहीं बढ़े। हर टॉपिक को जो ये तथाकथित विद्वानों ने जो पुस्तक निकाली है, मार्केट में जो पुस्तकें चल रही हैं, उनमें इतना विवाद है, इतना लोचा है कि बस पूछो मत। उन्होंने बस किस आधार पर निकाली है पता नहीं। अगर वो पुस्तक लेके बैठ जाऊँ तो गोले गोले कर दूँ उसमें मैं कि कितनी कितनी गलतियाँ हैं उसमें। पर वो क्या पता नहीं व्यावसायिक रूप से या पैसे की वजह से कुछ ना कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो उन विद्वानों पर ध्यान नहीं। मैं विगत 10 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ बड़ा विशेष रूप से कम 10 से 15 पुस्तकों का निचोड़ आपको सौंप रहा हूँ। 10 से 15 पुस्तकें मैंने कंसल्ट की हैं, चाहे आपका हो तो कामता प्रसाद गुरु हो, डॉक्टर राघव प्रकाश हो, चाहे कोई भी मतलब विद्वान, हरदेव बाहरी हो, नंदन जी हो, बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकें मैंने कंसल्ट करके तब आपको सौंपूंगा प्रत्येक टॉपिक को। तो इसलिए निश्चिंत रहें, ये ना घबराएं कि गुरु जी कहाँ आ गए, कैसे आ गए। आप नए विद्यार्थी हो इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा भटके। बाजारवाद बहुत जगह है, बाजार आपको बहुत जगह प्रलोभन देगा कि ये है हमारे पास, आइए ये कर देंगे। भरी भरी कक्षाओं में बिठाएगा आपको, 200-200 में बिठाएगा, 300-300 में बिठाएगा, बस पैसे ऐंठेगा, फीस लेगा, सिलेबस कराएगा, भाग जाओ। कोई मतलब नहीं उनको, आप जिंदे हो मर गए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, नहीं। छोटी क्लासें, आदर्श क्लासेस होती हैं, इनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में कम्युनिकेट होते हैं, हम जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, तब आपको परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। और उनमें कोई समस्या नहीं सुनेगा आपकी, आप एक धारा प्रवाह में आओगे, एक भीड़ का हिस्सा बनोगे और निकल जाओगे, बस निकाल दिए जाते हो। कोई आपको जानेगा नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपकी समस्या क्या है क्या नहीं, बस सीधे सीधे उनका मारकर चलता आते ही धड़ाधड़ मारकर चलेगा और निकाल देंगे आपको। इसलिए व्यवस्थित हो जाएं। बहुत 18 तारीख से इसके फॉर्म भरे शुरू हो गए हैं शायद परसों से, और बहुत जल्द इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो इसलिए अपने कमर कस के एक फोकस रख के कि हमें ये करना है, ये तैयारी करनी है। और 10वीं पास का सुनहरा अवसर है, अभी से अगर बेरोजगारी मिट जाती है यहाँ पर आके, तो ये मान लो आप आगे भी कोई बड़ी परीक्षा भी दे सकते हो। ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है बहुत दिनों में निकली है, ये निकलती नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट का एक कहते हैं एक 4th क्लास भी हाई कोर्ट का कांस्टेबल से कम नहीं होता साहब, वो एसआई से कम नहीं होता। हाई कोर्ट में लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए उसमें बहुत कुछ है, आपको मैं अब वो कैमरे के सामने नहीं बता सकता। बहुत सारे कुछ आनंद आपको जीवन में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि क्या है। बात कर रहे थे हम प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर दो भेद किए गए हैं, अल्प प्राण महाप्राण। नेक्स्ट लिखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण वे ध्वनियां जिनके जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में
बाहर निकलती हो, कम मात्रा में बाहर निकलती हो, या जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, कम समय लगता हो, या जिनका उच्चारण काल या जिनका उच्चारण काल छोटा होता हो, या जिनका उच्चारण काल छोटा होता हो, उन्हें उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां कहा जाता है, उन्हें अल्प प्राण ध्वनियां कहा जाता है, जैसे जैसे वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, जैसे वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, जैसे वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, एवं ये रे ले वे, कोष्टक में लिखिए, कोष्टक में पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, कोष्टक में के गे ग्यम, चे जे यम, टे डे ण, ते दे न, पे बे मा, और ये रे ले वा। के गे यम, तीन तीन छह, तीनाम दिया नौ, तीन चौके बारह, तीन पंजे पंद्रह, और चार संख्या कितनी हो गई, उन्नीस। अल्प प्राण ध्वनियां कितनी हो गई, उन्नीस। नेक्स्ट लिखिए महाप्राण, इसमें एक सूत्र डालिए, सॉरी यहां पर एक सूत्र डालिए, संस्कृत का एक सूत्र, वर्णानाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्प प्राणा, या अल्प्राणा को यहां लिख लीजिए नीचे, यणश्च अल्प प्राणा, अल्प प्राण वर्णानाम प्रथमा, सूत्र का मतलब वर्ण का पहला, तीसरा पांचवा, यणश्च यरलव, यणश्च वर्ग का वर्णानाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्प प्राणा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यरलव यण, सभी क्या होते हैं, अजी सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण।
सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण। सूत्र से आपको याद रहेगा, याद रहे ना रहे, आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र से आपके वर्णों का क्रम आ जाएगा कि कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण क्या होता है। तो वर्णानाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्प प्राणा, यणश्च अल्प प्राणा। बोलो एक बार सूत्र बोलो, वर्णानाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्प प्राणा, यणश्च अल्प प्राणा। नेक्स्ट लिखिए महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय प्राणवायु, प्राणवायु अल्प प्राण ध्वनियों की अपेक्षा, अल्प प्राण ध्वनियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में अल्प प्राण ध्वनियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो या जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, या जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, या जिनका उच्चारण काल, जिनका उच्चारण काल लंबा होता हो, लंबा होता हो, उच्चारण काल, काल, जिनका उच्चारण काल लंबा होता हो, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जैसे वर्ग का दूसरा चौथा, जैसे वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, दूसरे में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, और श, 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 है। ये सभी किस में आएंगे? से, से, से है, महाप्राण में। सभी किस में आएंगे? महाप्राण में। यहां एक सूत्र लिखिए, वर्णानाम द्वितीय चतुर्थो महाप्राण, वर्णानाम द्वितीय चतुर्थो महाप्राण, महाप्राण, वर्ग का दूसरा चौथा, सॉरी सॉरी सूत्र में गलती हुई, यहां पर नहीं, यहां पर यण सलस्य लिख लीजिए, सॉरी सलस्य, सलस्य महाप्राण, क्योंकि शय तो रह गया, शय तो रह गया, शकार रह गए पूरे, सलस्य, जैसे यणस्य था
ऐसे यहां सलश्य, वर्णानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्य महाप्राण। इससे आगे बात करेंगे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और